हेलो दोस्तों, एसएम फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर। इसेंट्रिक रिड्यूसर आपको पता होगा, थोड़ा बोलने में भी आप लोग इंसेंट्रिकल रिड्यूसर वगैरह बोल देते हो, बट इसको स्पेशली हम इसेंट्रिक रिड्यूसर ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। और ये आप देख लीजिए, उसका फिगर है। तो ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है और इसका जो छोटा वाला डायमीटर होगा वो 4 सेंटीमीटर हमने मान रखा है, और 6 सेंटीमीटर जो उसका बड़ा वाला डायमीटर होगा वो हमने मान रखा है, और जो इसकी लेंथ होगी दोनों के बीच की वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि इसको हम बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर के हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, 6 सेंटीमीटर की मैं 10 से मानता हूँ ताकि एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलती है इस चीज़ से हमको। ये हमारा 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लेता हूँ, और उसके बाद एक और मार्किंग मैं 2 सेंटीमीटर पे कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से, ये जो होता है कॉर्नर, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कर्व होता है, इस वजह से एक्यूरेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से मार्किंग करता हूँ 10 से। तो ये मैं देख ले, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर पर मैंने एक मार्क कर लिया, और ये 3 सेंटीमीटर पर। बाद में बताता हूँ मैं ये आपको मैंने ये क्यों किया। हमें यहाँ 2 हाफ सर्कल बनाने हैं, तो पहले पॉइंट को 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को हम सेंटर मान के हम यहां से एक हाफ सर्कल फॉर्म करते हैं। ये हमने कर लिया, और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 भाग में हमको डिवाइड करना है। ये देखिए आप, ये हो गया, और उसके बाद हम इसको सेंटर से मिला देंगे ताकि हमको सेंटर पॉइंट एक मिल जाए इस यहाँ पे। ये हो गया आपका एक सेंटर पॉइंट। दूरी में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो दूरी आप भर रहे हो इतनी ही दूरी आप यहाँ पे रख के इधर मार लो, क्योंकि हमको इसको 6 भाग में डिवाइड करना है। और सेम हम उसके बाद ये देखो आप यहाँ मैं से मार देते हैं, ये हमें 6 भाग में मिल गया। और सेम काम आप 2 सेंटीमीटर वाले पे हम ऐसे रखेंगे, और इसको भी हम एक हाफ सर्कल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और जो काम हमने बड़े वाले सर्कल में किया वही काम हम छोटे वाले सर्कल के लिए भी करेंगे। इसको भी 6 भाग में डिवाइड करना है। ये देखिए आप, फिर ये देखिए, अगर आपके पास चांदा हो तो बहुत अच्छा है, इजिली आपको सारे पॉइंट्स डिग्री के हिसाब से निकाल सकते हो, बट मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये देखिए, ये आपको मार्क मिल गया, और इस मार्क से आपको फिर 6 भाग में डिवाइड करने के लिए ये मार्किंग आपको ऐसे कर लेनी है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने के बाद मैं आपको ये जो 2 पॉइंट्स ऊपर में मिल रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे। और ये करने के बाद से अब मैं सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ, ऐसे सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा 1 पॉइंट मिल गया ये, और उसके बाद जो हाफ सर्कल है वो दोनों एक दूसरे के साथ बारी बारी से सारे पॉइंट्स के साथ जुड़ेगा। ये देखिए, एक अंदर से फिर एक बाहर से, फिर एक अंदर से फिर एक बाहर से। अब हम फिर इसको अंदर से फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और फिर ये ऐसे पॉइंट्स हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। आप चाहें तो इसके लिए छोटे स्केल का यूज कर सकते हैं, जो कि इजी होता है थोड़ा सा। ये देखिए, इसके बाद छोटे स्केल में, स्केल पे आपकी पकड़ अच्छी होती है, इसके साथ छोटे स्केल का यूज करें अगर आपके पास हो तो। उसके बाद
ध्यान रखिएगा मिलाते समय आप कोशिश करिएगा हम सेंटर को सेंटर मिले। इतना करने के बाद हम आपको इस पर नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के लिए हम ये देखिए इसको अगर जीरो आप मानते हो तो ये हो गया वन, ये पॉइंट मिलेगा टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व, ये सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ 10 सेंटीमीटर से ले लेते हैं, थोड़ी लंबी लाइन ले लेते हैं। उसके बाद से 10 से ले रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं 4 पे, 10 टू 4 यहाँ पे 6 का हमें अंतर मिल जाएगा। उसके बाद हम इधर एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, बहुत लंबी लाइन नहीं चाहिए, इससे हमारा यहाँ से ये काम हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस है आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो फर्दर जो आप प्रोसेस करोगे, बट मैं इसको यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ ताकि आप बाद में इसको थोड़ा सा क्लियर रहे आपको। तो ये थोड़ा प्रोसेस आपको लंबा और लेंदी हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर करके देख सकते हो और थोड़ा टाइम दे के सीखोगे तो ज़्यादा ही अच्छे से आप सीख सकते हो। तो मैं ये जो लाइन्स हैं ये देखिए आप इधर, मैं इसको यहाँ से ये देखिए ये जो सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस है जीरो टू वन, ये देखिए ये वाली जो लाइन है मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको नंबरिंग भी एक्चुअली करते रहूँगा साथ में। ये हो गया वन, और इसके बाद सेम वन टू टू, एक से दो के बीच की दूरी जो होगी वो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो आराम से। फिर ये दो से तीन, और ये देखिए सेम दूरी है दो से तीन, तो ये तीन भी आप यहीं पे मार्क कर लो। उसके बाद से तीन से चार के बीच की दूरी ये है, और ये देखिए ये दूरी जो है यहाँ पे चार मिल रहा है सेम ओवरलैप होके। और इसके बाद से यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो भी हम भर लेते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, बट समझने के लिए ज़रूरी है। ये देखिए फाइव, और फाइव के बाद से ये सिक्स, ये सिक्स हो गया, सिक्स के बाद से ये सेवन की दूरी हम भर लेते हैं, और ये थोड़ा सा पहले हमें मिल रहा है तो ये हो गया सेवन, और इसके बाद एट, एट, इसके बाद नाइन। आप चाहो तो ये दूरी थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ये देखो हल्का सा ये आगे मिल रहा नाइन, उसके बाद टेन, टेन हो गया, उसके बाद इलेवन। ये बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा काम होके अपना काम करना है। 11, और ये हो गया आपका लास्ट में 12। ये हो गया आपका 12। ये आपको 12 यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंजेस्टेड हो गए हैं, बट थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, मैंने बस ये दिखा दिया आपको, ये दूरी आपको मेजर बाद में करनी है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन हम खींच लेते हैं। इसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद से हम क्या करते हैं, 10 यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, 10 टू 4 तक इसके बीच की दूरी जो होगी
आपको 6 मिलेगी, ये देखिए आप 6 सेंटीमीटर मिलेगी, ये जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मार्किंग करने के बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसके बाद चांदी की हेल्प लीजिए, और चांदी की हेल्प लेने के बाद आपको ये जो दूरी है 1 2, ये देखिए 1 1 2, ये जो दूरी है यहाँ पे ये दूरी आपको भरनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वो दूरी रखनी है और ऐसे आपको क्रॉस चॉक चला देना है। ये जब दूरी आप चला लोगे तो उसके बाद आपको ये दूरी आपको इतनी भरनी है, ठीक है। और इसके बाद आपको सेंटर पर मार्क रख के यहाँ पे एक ऐसे चाप चला देना है दोनों साइड पे। और जब आप दोनों साइड पे चाप चला दोगे तो आप इसको नंबरिंग दे दो 1 एंड 1, 1 एंड 1 हो गया। अब हम इसके लिए 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 की जो ये वाली जो दूरी है ये देखिए आप, ये आपको 2 की दूरी भरनी है। और अब जो होगा इसको सेंटर मान के, यहाँ से सेंटर आप इसको मानिए, और उसके बाद आपको ये ऐसे आपको चाप चला देना है। अब आप सेंटर नहीं मानोगे, यहाँ से आप मानो, ठीक है, और फिर आप ऐसे एक और चाप चला दो। करने के बाद से फिर हम अब जो दूरी भरेंगे ये 0 से 2 तक की भरेंगे, ठीक है। जब भी हम और इसको सेंटर से ऐसे फिर चाप काट देते हैं, ठीक है, और ये हम चाप काट देते हैं यहाँ पे, और इसको मार्किंग हम कर देते हैं 2, ठीक है। अब जब आप 2 कर दोगे तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इसमें। जब भी आप इवन नंबर के लिए 1 के लिए करोगे तो आप ये वाली दूरी भरोगे, और जब नीचे के लिए कैलकुलेशन करोगे 2 4 6 के लिए तो आप बड़े वाले सर्कल की ये जो दूरी है वो भर लेंगे, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद जब हम 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो पहले 3 की दूरी भरेंगे, ये देखिए आप, ये 3 की दूरी हम भर लेते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब जो जो हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे उसको हम सेंटर मान के यहाँ से चाप चलाते जाएंगे। बहुत ही ईजी है, आप इजिली कर सकते हो, ये देखो आप, ये हो गया। और उसके बाद फिर अभी मैंने आपको बताया था जब भी हम ऑड के लिए करेंगे तो ऑड वाली दूरी भरेंगे, ये छोटी वाली दूरी भरेंगे, ठीक है, और यहाँ से सेंटर मान के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और सेम काम हम इसके बाद हम यहाँ से दोनों साइड में करेंगे, दोनों साइड पे हम करते चलते हैं साथ में ताकि दिक्कत ना हो। और फिर हम यहाँ पे सेंटर मान के, ये देखो ये हो गया, और इसको हम मार्क कर लेते हैं 3, इसको भी हम कर लेते हैं 3। फिर इसके बाद हम 4 के लिए मानेंगे, और 4 के लिए अगर कैमरे में कुछ भी थोड़ा बहुत मिस हो जाए तो आप इसको कर लेना, क्योंकि कैमरा बार बार मूव करने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा देखते रहिएगा। और इसके बाद ये हम कर लेते हैं 4 के लिए, ये हमारा हो गया 4 के लिए, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था जब भी आप इवन के लिए करोगे तो आप बड़े वाले सर्कल की ये जो दूरी है, ये देखो आप, ये वाली दूरी भर भरोगे, ये वाली, ठीक है। तो अगर कैमरे में कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि आप कर सको, तो आप करते रहो ऐसे जब तक कि आप 12 तक ना पहुंच जाओ। ये हो गया, इसको हम कर लेते हैं 4। फिर हम करेंगे 5 के लिए, तो 5 के लिए अब जो ये आप मेजरमेंट कर रहे हो यहाँ से देखो आप, ये हो गया। और इसके बाद हम 5 के लिए करेंगे, इसको सेंटर मान के यहाँ से एक चाप चला देते हैं, और सेम हम काम यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। और फिर हम ऑड के लिए कर रहे हैं, फिर इस छोटी वाली दूरी भरेंगे, ये छोटी वाली दूरी हम भर लेते हैं, और इसको सेंटर मान के यहाँ से मार देते हैं एक चाप इधर और एक चाप इधर। बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा बोरिंग इस वजह से हो जाता है कि यहाँ पे रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना ही पड़ता है आपको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसके लिए आपको फिर 6 की दूरी भरनी है, ये 6 की दूरी आप भर लो, ये 6 की दूरी भर लो, और उसके बाद आप क्या करो, 5 को सेंटर मान के फिर आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इधर भी 5 को आपको सेंटर मान के, 5 को सेंटर मान के, एवं मैं दूरी एक बार और चेक कर लेता हूँ, कई बार होता है डिस्टर्बेंस की वजह से हिल जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा ही सेटअप, तो ये हो गया। अब फिर हम बड़ी दूरी लेंगे क्योंकि हम इवन नंबर्स की मार्किंग लगा रहे हैं, तो ये हो गया।
ये हो गया, और इसको हम दे देते हैं नंबरिंग 6। सेम काम हम फिर 7 के लिए ये दूरी उठाएंगे, 7 हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के ये देखो आप ऐसे कर लेते हैं, और ये हो गया। और फिर हम ऑड नंबर के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये छोटी वाली दूरी हम भरते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखो आप ये हो गया। इसको हम कर लेते हैं 7 एंड 7। फिर हम क्या करते हैं 8 के लिए कर लेते हैं, 8 की मार्किंग हमें ये रही मिल गई, ये 8 की मार्किंग है। और 7 को हम फिर सेंटर मानते हैं। और एक इजी तरीका आपको मैं इसमें और बता देता हूँ, अगर आपको बार बार ऊपर की तरफ नहीं जाना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ये देखो आप ठीक है। अगर आपको अब इसको कट करना है तो आप सिंपली अगर ऊपर नहीं देखना चाहते हो तो आप ये वाली जो दूरी है यहां से आप उठा के ये देखो ये वाली दूरी, फिर यहां से ये वाली दूरी सब सेम है, तो आप यहीं से आप अब दूरी भर सकते हो। आप प्रैक्टिस में आ गए हो, अब आप सीधे यहीं से दूरी भर भर के काट सकते हो, ताकि कैमरे भी ज्यादा कैमरे की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये कर लो आप 8 एंड 8। अब सिर्फ आपको एक ही दूरी के लिए मार्किंग रखनी है, कि अब 9 के लिए करना है, तो ये वाली दूरी भरने के लिए आपको यहाँ पे देखते रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ठीक है। ये हो गया, और ये हम 9 के लिए कर रहे हैं, और इधर भी हम 9 के लिए कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे ऐसे कर लेना, सेम दूरी आपको यहां से भी वही मिलेगी, सारी दूरी बराबर है, तो हम अब यहीं से भरते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें कैसे करना है ठीक है। तो ये देखो आप ये हो गया, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं 9, और इसको भी हम कर लेते हैं 9। अब उसके लिए हम 10th के लिए ये देखो आप 10th की दूरी भर लेते हैं, और 9 पे सेंटर मान के फिर हम ऐसे कर लेते हैं मार्किंग, और फिर इधर भी 9 को सेंटर मान के ये हो गया। और फिर हम यही दूरी अब उठाते चलेंगे, ये देखो आप यहां से ये हो गया, और ये दूरी इधर हो गई, और सेम दूरी इधर हो गई। कोशिश कर रहा हूँ बोर ना हो आप, जल्दी से आप पहुंच जाओ। ये 10th हो गया, 2 सर्कल और उठाने हैं, और 10th के बाद आपको 11 के लिए करना है। तो ये हो गया आपका 11 के लिए, और 10th को सेंटर मान के ये देखो आप करना है, और ठीक है। और सेम दूरी हम कहीं से भी एक दूरी पकड़ लेते हैं, और इसको हम इधर से क्रॉस कर देते हैं ठीक है। और इसको हम फिर मार्किंग कर लेते हैं 11 एंड 11। 12th के लिए हम कर लेते हैं, 12th के लिए करना है, तो हमें ये वाली जो दूरी है देखो आप ये वाली जो दूरी है इसको भर लेते हैं, और 11 को सेंटर मान के ये देखो आप। इसके बाद क्या करना है, आपको ये दूरी उठानी है और ऐसे मार्किंग कर लेना, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये दूरी आपको उठानी है, और ये क्रॉस एक और एक क्रॉस आपको इधर कर लेना है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं डायरेक्टली बताते चलता हूँ, ये देखो आपको सेंटर पॉइंट से ये और तीन लाइन एकदम एक को पैरेलल लाइन में आपको मिलेंगी, ये देखो आप एक ही लाइन में आपको तीनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये देखो आप ये, तो इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो काफ़ी सही जा रहा है, और ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है, ये देखो आप ये हो गया। और बाकी पॉइंट्स को मैं ऐसे डायरेक्टली मिला दूंगा ठीक है। और उसका लास्ट वाला जो पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम ऐसे मिला देंगे, और इसके लिए थोड़ा सा ओवरलैप हम छोड़ देंगे, ओवरलैप साथ में ऐसे ओवरलैप ये देखिए। और ओवरलैप के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऐसे आप दिखा सकते हो ओवरलैप को अलग तरीके से, और बाहर वाला जो पॉइंट है ये देखो आप ये हो गया, और इसके साथ हम ओवरलैप भी कर देते हैं, और ओवरलैप के लिए ये हमारा हो गया, और बाकी पॉइंट्स को हम ऐसे मिला के उसके बाद कटिंग कर देते हैं। और ये हमने कटिंग जो है कर ली है, ये देखिए ओवरलैप के साथ मैंने कटिंग की है। इसके बाद फिर मैं इसको फोल्ड करूंगा ऐसे, और फोल्ड करने के बाद मैं आपको सीधे बना के दिखाऊंगा, ये बन गया है ऑलमोस्ट, बस इसको थोड़ा सा चिपका के दिखा देता हूँ। तो
और ये जो हमारा इसेंट्रिकल रिड्यूसर है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला जो है रिड्यूसर की तरह है और ये वाला एकदम आपको सीधे लाइन में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में, ये देखो। और ये जो है आपको एक रिड्यूसर के फॉर्म में से कम होता हुआ नजर आएगा। और बाकी आप ये जो दूरी थी ये 4 सेंटीमीटर की थी और नीचे का जो ये और ये जो नीचे का था ये 6 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए हमने मान के कैलकुलेशन किया था, आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर हमारा ये फैब्रिकेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फैब्रिकेशन आपको वो भी हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई क्वेरी फिर भी रह जाए या कोई आपको फैब्रिकेशन सीखना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।